टीसीएस का डेक्कन पार्क का ये बिल्डिंग है। अब लग रहा है टीसीएस में फाइनली आ गया। कहीं भी हुंदी सी जानत। तो गाइस फाइनली काचीगुड़ा पहुंच गए हैदराबाद में, और मेरी जो ट्रेन थी ना वो काफी लेट थी यार, मतलब कि 2 घंटा लेट पहुंचाई यहाँ पे। अब यहाँ से रूम जाते हैं, मे भी मेट्रो से जा सकते हैं या रेपिडो से, देखते हैं जो भी कन्वीनियंट लगेगा तो उससे हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार। तो भाई ये है नियरेस्ट मेट्रो सुल्तान बाजार है, जो कि आपको काचेगुड़ा से पास में पड़ेगा। रेल सी गुजरती है। तो भाई वेलकम टू हैदराबाद मेट्रो सिटी। ट्रैफिक का भंडार यहाँ पे पड़ा हुआ, सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। So guys, फाइनली रूम पहुंच गए यहाँ पे, और ये आप लोग को देख के याद आ रहा होगा कि वही रूम है जो हम छोड़ कर गए थे जिस तरह से। तो यहाँ रूम पहुंच गए और यहाँ पर ही सब लोग देखे यहाँ पे हैं। यहाँ कोहले आराम करता, बाकी लोग अभी नहीं है क्योंकि सब लोग ऑफिस गए हैं। तो ये लोग सब लोग आएंगे, सब लोग रात में फिर से वही चिल्लम चिल्ली हल्ला गुल्ला सब स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जल्दी से आते, ब्रश कर रहे थे, भूख भी लगा यार बहुत तेज, तो कुछ खा भी लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। टीसीएस का ऑफिस आना है क्योंकि शुभम का ना आईडी कार्ड कलेक्ट करना है, और इसको ना ऑफिस स्टार्ट होने वाला, थोड़ा देर तक इसका वर्क फ्रॉम होम चलेगा, फिर इसके बाद इसका ऑफिस स्टार्ट होगा। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं टीसीएस के ऑफिस में, और पता नहीं मेरे को जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जाने मिलेगा तो आपको अंदर का चीज दिखा देंगे, नहीं मिलेगा जाने तो शुभम आपको थोड़ा बहुत अंदर का चीज दिखा देगा। तो शुभम रेडी चलते हैं TCS भाई, मतलब फाइनली TCS जा रहा है। कुछ टाइम पहले आपको ऑलरेडी बता दी थी सर TCS में हो गया था, उसका TCS में हुआ है ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, बट घर से ही कर रहा था। तो अभी फाइनली ऑफिस रीओपन हो रहे हैं, सारे ऑफिस जितने भी हैं रीओपन हो रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे आईडी कार्ड कलेक्ट कर लेंगे, और फिर आईडी कार्ड कलेक्ट करेंगे फिर वहां पे जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या है। तो हम लोग यहां से भी निकल रहे हैं, रेपिडो बुक करेंगे, रेपिडो जाएंगे। और TCS का ऑफिस जो है ना यहां से ना कि 3 किलोमीटर के अराउंड है, यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो पास में ही। बट लेकिन इसका जो मेन ऑफिस जो है ना वो आधी बटला है, यहां से 50 किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा, आने जाने में 2-3 घंटा मतलब इसको लग जाएंगे जाने और आने में। तो बाकी इसका पीजी वगैरह का भी सीन है, देखना पड़ेगा क्या करना है, कहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर ऑफिस है। अगर इसका ऑफिस अगर यहीं पे अगर मिल जाता ना, इनकेस अगर मान के चलिए कि आसपास में ही, तो सही रहता। जिस तरह मेरा ऑफिस जो माइंट्री है ना, तो माइंट्री ऑफिस पास में है, बट लेकिन इसका ऑफिस बहुत दूर है यार। तो ये चीज़ है TCS वालों ने गलत किया, कितना दूर ऑफिस दे दिया। ठीक है, देखते आगे क्या होता है। अभी पहले हम ऑफिस चलते हैं और आईडी कार्ड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी होगा आपको हम दिखाते हुए जाएंगे सब चीज़। तो भाई फाइनली हम लोग TCS ऑफिस की तरफ निकल गए रहे वीडियो से। फाइनली हम लोग पहुंच गए TCS को ऑफिस डेक्कन पार्क। ये देखिए TCS का है भाई, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा अंदर का क्या सीन है। TCS का डेक्कन पार्क का ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं सारा चीज़, ज़्यादा कुछ तो नहीं शो कर पाएंगे। सो गाइस फाइनली अंदर आ गए, इसके अंदर चलना है क्या। सो गाइस फाइनली आई कार्ड मिल गया शुभम को, लेकर हम लोग आ गए। कैसा लग रहा भाई? बढ़िया, अब लग रहा है TCS में फाइनली आ गया। अब लग रहा है TCS में आ गया। हाँ, नहीं तो बिना कार्ड का थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था, क्योंकि कार्ड मिल जाने के बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस और अच्छा लगता है। ऑफिस में शान से जाइए अपना आई कार्ड लेके, क्योंकि ऑफिस अगर आपको जाना है तो कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा, बिना कार्ड के आपको ऑफिस में अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एक्सेस वगैरह इसमें रहते हैं, इसमें दिए हुए रहते हैं। तो भाई फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ डेल का ऑफिस है, और डेल का ऑफिस काफी बड़ा, यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे जाके ना ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से ना 1 किलोमीटर आपको अराउंड लगेगा, उतना बड़ा है, और अंदर का स्पेस ना काफी बड़ा है। और इस साइड आप देखेंगे ओरेकल वहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखिए ओरेकल का ऑफिस भी वहीं पे है, और इसके जस्ट बाद में ना आपको टेक महिंद्रा का भी दिखाने वाले हैं। तो सारे ऑफिस जो है ना यहाँ पे गची बाउली हाईटेक सिटी मतलब यहीं के आसपास में, ये देखिए ओरेकल का आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, तो सारे ऑफिस यहीं पे आपको दिख जाएंगे। तो ये देखिए ये जो है ना ऑफिस टेक महिंद्रा का वहाँ पे लिखा हुआ है, टेक महिंद्रा का भी बहुत बड़ा कैंपस है इसका, इसके अंदर कभी गए नहीं आज तक, कभी कभी अंदर जाने का अगर मौका मिलेगा लाइफ में तो पक्का आपको हम दिखा देंगे। बट यहाँ से स्टार्ट होगा, उस साइड से अगर टर्न करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली रूम आ गए, और सोच रहे थे कि इतना जल्दी आईडी कलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी आईडी मिल गया, तो हम लोग इसलिए फ्री हो गया ताकि मतलब आकर रूम पे आराम कर पाए, क्योंकि शुभम की भी शिफ्ट है ना 2 बजे से है, तो हम लोग आकर ऑलमोस्ट 1:30 बजे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद ना आधा घंटा हम लोग को लगा अंदर में गए, आईडी कलेक्ट तुरंत हो गया, मतलब सोचे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा बट उतना टाइम वहां पर लगा नहीं, जल्दी से हो गया। तो ये चीज बेनिफिट मिल गया कि जल्दी से हो गया, जिसके वजह से अपना शिफ्ट में लॉग इन कर लेगा। तो फाइनली अब हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर शाम को होगा तो थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे। A few moments later. So भाई 1 घंटा सो लिए थे और आने के बाद सीधा सो गए थे, खाना वाना खाकर जा रहे चाय वाय पीने, और मेरे को ना नारियल पानी पीना है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, मतलब क्यों ट्रैवल करके ना तो बॉडी थोड़ा सा लग रहा है कि डिहाइड्रेटेड हो गया, तो थोड़ा बहुत नारियल पानी पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं बाहर साइड में, क्योंकि अभी थोड़ा धूप भी कम हो गया, बाहर का मौसम देखिए अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, मौसम वगैरह भी मतलब अच्छा कर दिया बादल, तो अच्छा लग रहा है। तो बाहर से जाते हैं और होकर आते हैं जल्दी अभी हम। सुबह फाइनली नारियल पानी पीने के लिए आ गए, और बहुत तलब लग रहा था इसे पीने का,
क्योंकि बहुत दिनों से नारियल पानी पिए भी नहीं थे, तो पी लेंगे थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सुबह ही बाहर से चाय वाय पीकर भी आ गए हैं और नारियल पानी और कुछ बहुत थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिए, बट अब आने के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा गर्मी जैसे महसूस हो रहा। हम सोच रहे कि नहा कर आ जाते, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद एडिटिंग भी करना है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ना पेंडिंग हो रहे हैं। A few moments later, फाइनली नहा लिया तो नहा के फ्रेश लग रहा है और मेरा जो है कलर वाला बाल जो है ना यहाँ पे आपको, तो अभी आपको अंधेरा में यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट धूप में जब जाते हैं ना तो ये चीज ना पूरा दिखता है और यहाँ पर भी ग्रीन और यहाँ पे ब्राउन का शेडो बना हुआ था, ये जो है ना धूप में दिखता, तो आपको ना धूप में जाएंगे जब ऑफिस जाएंगे ना तो आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो फाइनली गाइस नहा धो के फ्रेश हो गया, अब थोड़ा सा मन अच्छा लग रहा है, अब हम जा रहे हैं एडिट करते हैं क्योंकि ये देखिए एडिटिंग के लिए यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो एडिटिंग यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एडिटिंग पेंडिंग है, तो एडिटिंग कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग करके ना अभी हमको वीडियोस अपलोड भी करना है। तो आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हैदराबाद हम आ चुके हैं फाइनली, तो जल्दी मिलते हैं, ढेर सारा ब्लॉग बनाएंगे, अब हैदराबाद में फिर से कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाले, तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।